दोस्तों यहाँ पर हम कुर्ती कटिंग करेंगे, ठीक है। और फिटिंग वाली कुर्ती है, यहाँ पर लिया है हमने पुरानी कुर्ती से नाप। सबसे पहले बताते हैं हम आपको इसकी जो लंबाई है वह है 32 इंच, स्लीव्स है 14 इंच और स्लीव्स की गोलाई है 8 इंच और यहाँ पर शोल्डर है 11 इंच, चेस्ट है 32 इंच, कमर है 27 इंच, हिप है यहाँ पर 32 इंच और पल्लू यानी दामन इसका है 17 इंच। अब जितना भी आपका दामन हो पल्लू हो, ठीक है, उससे आप अपना कपड़ा यहाँ पर बिछा दें, ठीक है, डबल फोल्ड में 4 इंच हो जाएगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पर बैग और सामना दोनों बिछा दिए हैं इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम एक निशान, आधा इंच का और लगाएंगे जिससे हमारा यहाँ पर बैक एक्स्ट्रा कटिंग होगी, जिससे हमारी कुर्ती उचकेगी नहीं ऊपर को। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लंबाई लेना है तो हम नीचे वाले निशान से यहाँ पर लेंगे 32 यानी 32 इंच और नीचे ले लेंगे हम 2 इंच, 2 से 2.5 इंच ले लें। उसके बाद इसका आर्मोल लेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच और कमर के जो शेप है नीचे निशान लगाते हैं वो लेंगे हम 6 इंच और दूसरा भी लेंगे 6 इंच। इन दोनों तीनों निशानों को हम सीधा कर देंगे, इसको भी। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो है 32 यानी 32 इंच, कमर है 27 इंच और यहाँ पर हिप है 32 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर 32 का हम 4 भाग करेंगे, हो गया यहाँ पर कितना 8 इंच, कमर है 27 इंच तो इसका 4 भाग करेंगे 7 × 4 = 28 यानी 7.5 इंच, हिप है 32 इंच इसका 4 भाग करेंगे हो गया 8 इंच, पल्लू है इसका 17 इंच तो हम इसका पहले तो निशान लगा देते हैं लंबाई वाला। उसके बाद पल्लू है 17 इंच, 17 का ½ कर लेंगे हो गया यहाँ पर 8.5 इंच, इसका जो हम फोल्ड करेंगे चाकू में वो लेंगे 1/4 इंच, यहाँ पर भी लेंगे 1/4 इंच, यहाँ मार्जिन लेंगे 1/4 इंच और यहाँ पर लेंगे 2 इंच। अब दोस्तों बात है यहाँ पर शोल्डर की, शोल्डर लेंगे हम यहाँ पर 11 इंच तो 11 का ½ हो गया 5.5 इंच, यहाँ पर लेंगे हम 5 इंच, ठीक है, 1/2 इंच कम करके लेना है, यह है 5 इंच। इसको इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरीके से एक मार्क करना है, उसके बाद में यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इस प्रकार शेप दे देंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब हमें यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया था 1/2 इंच बढ़ा के बैक पल्ले के लिए निशान लगाना है, ठीक है, और वो हम क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों एक ही संग कटिंग कर रहे हैं। अब हमें लेना है यहाँ पर स्केल इस तरीके से, यहाँ निशान लगाएंगे, एक निशान यहाँ लगाएंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन, फिर यहाँ पर ये भी एक्स्ट्रा मार्जिन, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर निशान लगाएंगे, फिर आपको यहाँ पर जो चाक में फोल्ड करते हैं ना ये वाला निशान लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर निशान लग चुके हैं, अगर आपके पास ये स्केल है तो इस तरीके से लगा दें, अगर आपके पास शेप फंटी है तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं जिससे निशान आपका बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है, शेप बढ़िया आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने निशान लगा दिए हैं, इसकी कर लेंगे कटिंग। नीचे वाले निशान से करना है, ठीक है, और एक बात और, 1/2 इंच हमें यहाँ पर डाउन करना है इस प्रकार। अब यहां से कटिंग कर लेंगे, हमें एक पल्ला कटिंग करना है, ठीक है, यहां तक एक पल्ला कटिंग करना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने लगाया था ये वाला आपको ध्यान से जरूर लगाना है, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि आप अगर ये निशान लगाएंगे ना तो आपका कभी भी यहाँ से फ्रंट पल्ला यानी कि कुर्ती आपकी ऊपर को नहीं उचकेगी। अब आप यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए अपने बैक पल्ले को कटिंग करेंगे।
अब हमें यहाँ पर यहाँ तक तो देखो हमने एक एक पल्ला कटिंग किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दोनों पल्ले कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ दोनों पल्ले कटिंग कर लिए हैं, यहाँ लगाएंगे छोटे छोटे कट। आपको यहाँ कभी भी बड़ा कट नहीं लगाना है, जिससे अगर आप बड़ा कट लगा लेंगे तो आपका आर्म होल यहाँ पर बढ़ जाएगा। आपको यहाँ भी छोटा सा कट लगाना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर निशान उठाना है अपने दूसरी साइड में, जिससे हमें सिलाई लगाने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इस प्रकार अब इसके नीचे जो है ना वो निशान आ जाएंगे, तो आप इस तरीके से निशान लगा लें, या आप अपने कपड़े को छाप भी सकते हैं, जैसे निशान को सामने को पलट के और हाथ से थपथपा के भी छाप सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर हमारी ये कुर्ती कटिंग होके बिल्कुल हो चुकी है कंप्लीट। अब इसकी रह गई स्लीव्स। अगर आपको स्लीव्स कटिंग करना नहीं आती तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके कटिंग सीख सकते हैं। तो यहां पर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों स्टिचिंग की वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।